हेलो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द फ्यूचर टू यू में। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो यूनिट वन का चैप्टर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कंसोलिडेशन ऑफ राज, फ्रंटियर एंड फॉरेन पॉलिसी। इसमें कंसोलिडेशन का मतलब होता है संगठित करना, और फ्रंटियर और फॉरेन पॉलिसी का मतलब, फ्रंटियर मतलब ये जो बाउंड्रीज हैं हमारी उनके बारे में पढ़ना है, और फॉरेन पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें दो बेसिस पर जो पढ़ना है वो मैंने इसमें ये जो लिखा हुआ है कि इंटरनल सिचुएशंस पढ़नी है और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पॉलिसी पढ़नी है। इंटरनल सिचुएशंस जैसे कि ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन सब कॉन्टिनेंट, द डिक्लाइन ऑफ चाइना, द थ्रीट फ्रॉम रशिया, अफगानिस्तान, फर्स्ट अफगान वार, सेकेंड अफगान वार, द दुरंद लाइन, द पर्शियन एंड पर्शियन गल्फ, तिब्बत, नेपाल, सिक्किम, भूटान, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो पहला टॉपिक है हमारा ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन सब कॉन्टिनेंट। आफ्टर कन्क्वेस्टिंग द ऑलमोस्ट द होल इंडिया एक्सेप्ट पंजाब एंड सिंध, कंसोलिडेशन ऑफ राज वाज मेन कंसर्न ऑफ द ब्रिटिश। मतलब कि सारे के सारे ऑलमोस्ट मतलब होल इंडिया पर कब्जा करने के बाद उनका मेन जो उद्देश्य था वो था किसी तरीके से पंजाब और सिंध पर कब्जा करना। तो कंसोलिडेशन ऑफ राज वाज द मेन कंसर्न ऑफ द ब्रिटिशर्स, एंड फॉर दिस पर्पस दे इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ सुटेबल एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके लिए उन्होंने अलग अलग तरीके की पॉलिसीज निकाली जो कि वो स्टार्टिंग से निकालते चले आ रहे थे। द एंड ऑफ इन्वेजन ऑफ बाई अफगान एंड द पर्शिया एंड प्लंडरिंग एक्सपेडिशन ऑफ द फ्रंटियर ट्राइब शोज द सक्सेसफुल एफर्ट ऑफ कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब है संगठित राज, संगठित मतलब जो टूटे टूटे छोटे छोटे पार्ट्स थे उनको संगठित कर रहे थे वो। अगला आता है अपना इंटरनल सिचुएशन ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन सब कॉन्टिनेंट। ब्रिटिश इन्वॉल्व्ड एज इन कन्फ्लिक्ट ऑफ डोमिनेशन, मतलब कि इसमें जो पहला पॉइंट हमारा है इसमें ब्रिटिश इन्वॉल्व्ड इन कन्फ्लिक्ट ऑफ डोमिनेशन विद द फ्रेंच आफ्टर डिफीटिंग द डच एंड पोर्टुगीज। जब ब्रिटिशर्स ने डच और पोर्टुगीज दोनों को जब डिफीट कर दिया, उसके बाद उन्होंने एक डोमिनेशन प्रैक्टिस शुरू की। मतलब जो छोटे छोटे पार्ट्स थे उन पर डोमिनेट कर रहे थे। जैसे कि इसमें लिखा है ब्रिटिशर्स इन्वॉल्व इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डोमिनेशन विद फ्रेंच के ऊपर वो डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे। फ्रेंच डिसअपीयर्ड विद द डिफीट ऑफ टीपू सुल्तान इन 1788 फ्रॉम साउथ। और ये जो डोमिनेशन प्रैक्टिस थी ये स्टार्टिंग में इन्होंने कहाँ से शुरू की थी, इन्होंने ये मेनली चल रही थी साउथ में चल रही थी। तो साउथ में ये डोमिनेशन प्रैक्टिस तब ख़त्म हुई जब टीपू सुल्तान को डिफीट कर दिया गया। फ्रेंच डिसअपीयर्ड विद द डिफीट ऑफ टीपू सुल्तान इन 1788 फ्रॉम साउथ। साउथ में से 1788 में जब टीपू सुल्तान को डिफीट किया गया तो वहाँ से फ्रेंच भी डिसअपीयर्ड हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये जो प्रैक्टिस थी ये प्रैक्टिस आ गई कहाँ, ये प्रैक्टिस आ गई साउथ से वेस्ट में। साउथ दिस प्रैक्टिस केम टू फ्रेंच डिसअपीयर्ड फ्रॉम द साउथ एंड सीन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट शिफ्टेड टू द नॉर्थ वेस्ट आफ्टर द 1807। और 1807 में ये जो सीन था, जो डोमिनेशन का प्रैक्टिस चल रही थी वो शिफ्ट हो गई नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में शिफ्ट होने के बाद में क्या हुआ कि द कोलैबोरेशन ऑफ फ्रेंच पर्शियन, फिर उसके बाद नॉर्थ वेस्ट में जैसे शिफ्ट हुई तो अब क्या हुआ कि फ्रेंच जो फ्रेंच पर्शिया और रशिया ये थे, ये सब के सब एक हुए। कोलैबोरेशन ऑफ फ्रेंच पर्शिया एंड रशिया सब एक हो गए। इसकी वजह से इनको चेतावनी मिली ब्रिटिशर्स को, मतलब ब्रिटिशर्स को चेतावनी मिली अलग, मतलब अब ये एक तरह से बोलते हैं ना कि इनको चेतावनी इस तरह से मिली जैसे कि अब ये तीनों के तीनों एक हो चुके थे। तो इसका मतलब है कि अब ये ब्रिटिश के खिलाफ कुछ भी करेंगे तो ब्रिटिश हार जाएंगे। इसीलिए उन्होंने स्टार्टिंग से अपने प्लानिंग शुरू कर ली, ब्रिटिशर्स ने प्लानिंग शुरू कर ली विद डिफीट ऑफ नेपोलियन। अब नेपोलियन को जैसे ही डिफीट हुआ, फ्रेंच थ्रीट और डिसअपीयर्ड एंड ब्रिटिश वॉन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डोमिनेशन। जैसे ही नेपोलियन ख़त्म हुए, उसी नेपोलियन को डिफीट किया गया, वैसे ही फ्रेंच की जो थ्रीट थी वो सारी की सारी डिसअपीयर हो गई। और ब्रिटिशर्स थे जो वो डोमिनेशन कॉन्फ्लिक्ट को जीत गए। फिर आया द डिक्लाइन ऑफ चाइना, चाइनीज पावर सुप्रीमेसी एंड प्रेस्टिज ओवर
ईस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया डिक्लाइंड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। जो चाइनीज़ की जो पावर थी, सुप्रीमेसी, प्रेस्टीज थी, वो सब सेंट्रल एशिया से डिक्लाइन हो गई फर्स्ट हाफ 19th सेंचुरी में। और इस पीरियड में जो चाइना था वो रजिस्ट कर रहा था मैनी यूरोपियन पावर को, जो कि चाह रही थी इसी तरीके से चाइना को ओपन ट्रेड के लिए, ओपन अप चाइना को ट्रेड के लिए ओपन अप किया जाए, ये सब चाह रही थी यूरोपियन पावर्स। तो उन्हीं पावर्स को वो रजिस्ट कर रहा था, उन सबको पावर्स को रोक रहा था। अगला आया था थ्रीट ऑफ रशिया में क्या था, रशियन रैपिडली एडवांस टूवर्ड द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ द अफगानिस्तान। जो रशियन थे वो जो अफगान की नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर मतलब नॉर्थ वेस्ट बाउंड्रीज जो थी उनकी तरफ रैपिडली एडवांस कर रहे थे, मतलब रैपिडली ग्रो कर रहे थे। तो उस समय मिर्ज़ा मोहम्मद इंक्लिनेशन टूवर्ड रशिया, उस समय मिर्ज़ा मोहम्मद का जो इंक्लिनेशन था वो रशिया की तरफ था। तो शोज़ मिर्ज़ा मोहम्मद इंक्लिनेशन टूवर्ड रशिया शोज़ द रशियन डिटर्मिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग द होल ऑफ नियर एंड मिडल ईस्ट। मिर्ज़ा मोहम्मद का जो इंक्लिनेशन था वो रशिया की तरफ, इससे पता लगता है कि जो रशियन डिटर्मिनेशन क्या था, रशियन का डिटर्मिनेशन ये था किसी तरीके से मिडल ईस्ट के नियर का पार्ट या फिर पूरा पार्ट को खुद कंट्रोल करें वो। एंड दिस वाज सीन एज अ पोसिंग थ्रेट ऑफ अफगानिस्तान। और इसी से हमें पता चल, ये सब तब पता चला जब पोसिंग थ्रेट ऑफ अफगानिस्तान हुई। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे आते हैं, अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान का मैं बताऊँगा आपको, ये सेंटर ऑफ ब्रिटिश स्टेट था, सेंटर ऑफ ब्रिटिश स्टेट एंड ओनली वे ऑफ सेंट्रल एशिया। ब्रिटिश वॉन्टेड टू कंट्रोल इट। एक तो ब्रिटिश स्टेट का सेंटर था और सबसे एक इकलौता रास्ता था सेंट्रल एशिया के लिए, इसीलिए ब्रिटिश इस पर कंट्रोल करना चाहते थे। रशिया इसके ऊपर एक्सपेंड करना चाहता था ताकि सेंट्रल एशिया पर उसका कंट्रोल आए। ब्रिटिशर्स थे वो ट्राई कर रहे थे किसी तरीके से कमांडिंग इन्फ्लुएंस, वो अपना इन्फ्लुएंस जो है अफगानिस्तान पर बरकरार रखने के लिए ट्राई कर रहे थे। ब्रिटिश वर ट्राइंग टू सिक्योर द कमांडिंग इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान बाय ऑक्यूपाइंग एडवांस्ड स्टेशन, और वो एडवांस स्टेशन को ऑक्यूपाई कर करके सेंट्रल एशिया में अपना दबदबा बना रहे थे और ट्राई कर रहे थे कि किसी तरीके से हमारा ही इन्फ्लुएंस रहे। इसी वजह से, ये सब करने की वजह से एक पॉलिसीज आई उनका नाम, जिनको नाम दिया गया फॉरवर्ड पॉलिसी एंड बाय क्रिएटिंग डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग विद रशिया। रशिया से कुछ बातचीत हुई जिसका रिजल्ट ये निकला कि फॉरवर्ड पॉलिसी को आगे किया गया। फिर आता है फर्स्ट अफगान वार चला 1838 से 42 तक। तो ये क्या था, सबसे डिजास्टर, ग्रेट डिजास्टर्स फॉर ब्रिटिशर्स के लिए बहुत हानिकारक था। रिटर्न ऑफ दोस्त मोहम्मद ऑन द थ्रोन ऑफ काबुल। अब जो दोस्त मोहम्मद थे उनको काबुल की कुर्सी दोबारा से मिल गई थी। रिटर्न मतलब वो दोबारा वापस आ गए थे उस पर। मेंटेन एब्सोल्यूट न्यूट्रलिटी टुवर्ड द इंग्लैंड विच प्रोवाइड ईज ऑफ इंग्लैंड टू अगेंस्ट द रशिया। उन्होंने एब्सोल्यूट न्यूट्रलिटी रखी इंग्लैंड की तरफ, और विच प्रोवाइड ईस्ट टू इंग्लैंड अगेंस्ट द रशिया, विच प्रोवाइड ईस्ट टू इंग्लैंड अगेंस्ट द रशिया। सेकेंड अफगान वार ये था। 1874 में कंजर्वेटिव्स को लगता था कि फॉरवर्ड पॉलिसी की वजह से इंडियन गवर्नमेंट को सेकेंड अफगान वार करना पड़ा, और ये अफगान वार अफगानिस्तान के लिए डिजास्टर्स था। रशियन एक्सपेंशन कंटिन्यूड, लेकिन जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ इसमें क्या हुआ, रशियन अपनी एक्सपेंशन की जो पॉलिसी थी उनकी उसको वो कंटिन्यू कर रहे थे। इसीलिए ओल्ड एनिमी थे अभी अफगानिस्तान के लिए बहुत बुरा पड़ा, लेकिन अफगानिस्तान के साथ अब, लेकिन ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान के लिए बहुत बुरा किया इस, लेकिन पहले बार वाले में अफगान्स जो थे वो ऊपर पड़ गए थे ब्रिटिशर्स थे, तो वो ब्रिटिशर्स के लिए बहुत बुरा था। जब अफगानिस्तान को डिफीट अफगानिस्तान के लिए बुरा हुआ, तो अब क्या हुआ कि जो इंग्लिश के मतलब अंग्रेज़ों के जो पुराने जो एनिमी थे, जैसे कि रशिया और फ्रांस, वो दोनों एक हो गए, और मतलब वो दोनों किसके अफगान्स के बहुत करीबी हो गए। तो इस वजह से वो तीनों के तीनों एक साथ आए। तो उसे एक साथ आने के बाद एक लीडिंग फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपलेट एंटिटी बना, जो कि 1907 में हुआ। ये था हमारा इंटरनल सिचुएशंस।
एंड एक्सटर्नल, और जो अगला है फॉरेन पॉलिसीज़, फॉरेन पॉलिसीज़ के बारे में मैं अगली बार अगले फ्रंटियर पॉलिसीज़ के बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलना, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना ताकि उनके भी पेपर अच्छे हों और उनकी भी तैयारी अच्छी होती रहे। थैंक यू, सी यू लेटर।